लच्छी वाला का एंट्री गेट, और यहाँ पे आप लोगों को लच्छी वाला नेचुरल पार्क करके दिया, यहाँ पे आप लोगों को लच्छी वाला का मैप वगैरह भी मिल जाता है। तो अभी हम लोग इसके अंदर वगैरह एंटर करने वाले हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो बस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग वोटिंग भी कर सकते हो गाइस। हाँ, चिल्ड्रन के साथ में आते तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। हमें ना मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत अच्छा लगता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम वर्मा स्केटर शो। मैं भी आ रखा हूँ उत्तराखंड देवभूमि टहलने के लिए, और अभी हमें लच्छी वाला ठुका है। लच्छी वाला में ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो लच्छी वाला का आप लोगों को IM8 लच्छी वाला नेचुरल पार्क देहरादून। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और आज हम लच्छी वाला को एक्सप्लोर वगैरह करने वाले। ये आप लोगों को लच्छी वाला का गेट मिल जाता है, इसी के अंदर हम लोग आज एंट्री वगैरह करने वाले हैं। सो गाइस, ये जो लच्छी वाला है, ये लच्छी वाला का जो मेन पार्क पड़ता है वो जंगल के बीच में पड़ता है, आस पास उसके जंगल वगैरह है। और जो मेन गेट है, मेन गेट से समथिंग 1 किलोमीटर के अंदर पड़ता है, और वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए साधन वगैरह तो कोई नहीं मिलता है। यहाँ पे भाई पहाड़ियाँ भी काफ़ी प्यारी प्यारी दिखती हैं, बिकॉज यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं। जब हम आगे चलेंगे तो साइड से अपन लोगों को पहाड़ियाँ भी दिखने वाली हैं। यहाँ से अंदर पार्क बना हुआ है ना, काफ़ी प्यारा बना हुआ है, और मैं उसको देखने के लिए एक्साइटेड भी हूँ। काफ़ी दिनों से मैं समथिंग 2 मंथ पहले आया था तब से, और फिर मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। सो दोस्तों, जब हम लोग गेट से एंट्री वगैरह कर लेते हैं, फिर जहाँ पर पार्क है वहाँ पर जाने में समथिंग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। हम लोग पैदल चल रहे हैं, बिकॉज हम लोग पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमें कोई भी साधन वगैरह मिला नहीं वहाँ तक चलने के लिए, और हम लोग पैदल चल दिए। और आसपास में काफ़ी घना जंगल वगैरह भी पड़ता है, इसलिए करके वो पार्क और भी आकर्षित हो जाता है। इसके ऊपर चढ़ के हम आप लोगों को ऊपर का व्यू वगैरह दिखाते हैं, चल के ऊपर से व्यू वगैरह कैसा दिखता है। और अभी हम लोग चलने वाले हैं इसके ऊपर, और अमेजिंग वाला व्यू दिखने वाला है। सो लेट्स गो गाइस। यहाँ से अपन लोगों को रास्ता वगैरह मिल जाता है चढ़ने के लिए, जो कि कुछ इस तरीके का, और ये जीने टाइप के ऊपर जाने के लिए बना हुआ है। और ऐसे ऐसे करके हम लोग ऊपर इसके चढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। वाओ, अमेजिंग गाइस गाइस गाइस, ये चेक करो क्या ही नज़ारा दिख रहा है। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ गए हैं इसके ऊपर, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है अमेजिंग वाला, पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं और इधर भी इधर से पानी वगैरह बह रहा है। सो वो आप लोग सामने पहाड़ियाँ वगैरह देख सकते, इधर सारा का सारा खुला प्लेस पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो आवाज़ आ रही ना पानी की, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही। हम लोग काफ़ी ऊपर है और आस पास चारों तरफ भी जंगल वगैरह है, और इस तरीके अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो आप लोगों को नेचर का आनंद पूरा आने वाला है। गाइस, अमेजिंग वाला व्यू है। गाइस, यहाँ पे स्केट बोर्ड करने वाला है, अच्छा वाला, मतलब स्केट बोर्ड ढाल पे ही किया जाता है, अक्सर अक्सर लोग स्केट बोर्ड ढाल पे ही करते हैं। तो यहाँ से सीधे स्केट बोर्ड पर बैठो, सीधे छूँ करते हुए चले जाओ, और बस हम लोग पार्क पहुँचने ही वाले हैं गाइस। सो गाइस, आप लोग इधर ये व्यू चेक करो, इधर के साइड में भी। तो अभी हम लोग आ गए हैं लच्छी वाला के मेन डोर पर। भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ कि इसके अंदर वगैरह टहलने के लिए पड़ता है मेन डोर, लच्छी वाला का एंट्री गेट, जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगता है। तो अभी हम लोग इसके अंदर वगैरह एंटर करने वाले हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन सब चीज़ों को। और आप लोगों को डोर पे चलते यहाँ पे बढ़िया सा वाटरफॉल की तरह भी मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर आप लोगों को लच्छी वाला नेचुरल पार्क करके दिया होता है, और यहाँ पर कुछ इसके सेफ नोट्स वगैरह दिए होते हैं, और इधर आप लोग इसको भी रीड कर सकते हो। जितने भी इसके अंदर इक्विपमेंट वगैरह है सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, लॉन, वाटरफॉल और कुछ भी, जो भी रोज़ गार्डन। और यहाँ पे आप लोगों को लच्छी वाला का मैप वगैरह भी मिल जाता है, जो कि आप लोग इसके ज़रिए से भी टहल वगैरह सकते हो। सो अभी हम लोग इसके अंदर एंटर वगैरह करने वाले हैं, तो लेट्स गो गाइस। यहाँ पर आप लोगों को एंटर करते ही आप लोगों को एक इधर के लिए रास्ता मिल जाती है, और आप लोगों को एक इधर के लिए रास्ता मिल जाती है। आप लोगों को यहाँ पे एक फ्रिज वगैरह भी मिल जाता है, और आप लोग इसे भी रीड कर सकते हो, यहाँ पे नो प्लास्टिक जोन। आप लोगों को प्लास्टिक वगैरह इसके अंदर अगर
मतलब नहीं फेंकनी चाहिए। अगर आप लाते आते भी बोतल वगैरह अपने साथ में, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ चिल्ड्रन एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे काफ़ी प्यारी बनी है। यहाँ पे आप लोगों को चिल्ड्रन एक्टिविटी मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गेम्स वगैरह भी हैं। दोस्तों अभी मैं इसके ऊपर चढ़ने वाला हूँ उधर से करके, और फिर इधर से आने वाला हूँ। हमें ना मतलब यू नो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत अच्छा लगता है, सो लेट्स गो। भाई मैं यहाँ से सिकलने जा रहा हूँ, बस मेरे बम पे पीछे लगे ना मेरे कपड़े भी गंदे होने वाले हैं। अब हम उसके ऊपर चढ़ने वाले हैं, कब इसके ऊपर हम चढ़ने वाले हैं, इसके भी ऊपर चढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर चढ़ेंगे, इस तरीके से करके चढ़ेंगे, इधर से चढ़ेंगे और उधर से उतरेंगे। ओके बॉयस, सो यस गाइस। हाँ आ सो बूम गाइस लेट्स गो। अब मैं यहाँ से कूदने वाला हूँ, सो वीडियो में लास्ट बने रहना, वो आप लोगों को मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ से उतरने वाला हूँ रस्से से। ये बड़े बड़े देखो, हम आज ये माने जाने कि हम कितने बड़े बड़े डग्गों से उतर सकते हैं, कितनी जल्द। यस अब हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, इस पर भी चढ़ सकते हैं, उस पर भी चढ़ सकते हैं, हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। बस अगर हम यहाँ पे मॉर्निंग में आए होते तो और भी अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं, बट ये मॉर्निंग में आई थिंक 8 बजे बाद ओपन होता है, तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग में नहीं आए। चिल्ड्रन के साथ में आते तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे इंजॉय वगैरह कर सकते हैं अपने उनके छोटे छोटे गेम्स वगैरह। गुड सो बस यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, यू नो सेव फॉरेस्ट सेव नेचर, सो पौधों को बचाएं और जीवन अपना बेहतर बनाएं। बैठ के देखते भी हैं, सो कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ से ये। सो बस यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो, एंड उधर के साइड में काफ़ी अच्छा एक स्टैचू वगैरह भी मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हम लोग वहाँ पे चलने वाले हैं, और तरह तरह के यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं, तरह तरह के यहाँ पे हर एक चीज़ें हैं अगर आप लोग करना चाहते हो। अगर यहाँ पे देखो आप लोगों के पास टाइम वगैरह है तो यहाँ पे अच्छे से आगे टहल घूम सकते हो, बैठ सकते हो, हर एक चीज़ को एंजॉय वगैरह भी कर सकते हो। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं, और इस तरीके से करके यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को इधर के साइड में गाड़ियाँ वगैरह भी पार्क करने की जगह वगैरह मिल जाती है। सो लेट्स गो गाइस।